इसमें संकल्प में ये चीज ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हम जोड़ रहे हैं उन्हें ऊर्जाकृत करना है, उन्हें क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको सबसे पावरफुल लग रहे हैं उन्हें साथ में बैठ के देखना है और चर्चा करना है। जो विद्वान लोग छिद्रान्वेषण करने में अपने आप को महारथी मानते हैं उन्हें सोचने का ज़्यादा समय चाहिए, तो उनसे कहिए भाई साहब विचाराधीन सदस्य बन जाइए और हर दिन 9 बजे रात्रि को हम मिलते हैं, तो आपके जितने भी संशय हैं वो आके पूछिए। जो व्यक्ति संशय से बाहर निकल गया है वो शपथकृत सदस्य के रूप में जुड़े और शुरू में 10 लोगों को जोड़े और फिर धीरे धीरे जो है ना 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करें। मैं यहाँ एक बार फिर से स्पष्ट कर देता हूँ कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ व्यक्तियों को किसी को नहीं जोड़ना है, मात्र जुड़ जाने से ही हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। केवल 100 करोड़ में से 9 करोड़ जो कि 9% होता है उन्हें केवल 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 10 लोगों को। हम बड़ी आसानी से अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों में से 10 लोगों को तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। इतना करने से केवल 9% लोगों के द्वारा 10% के लोगों को जोड़ने पर हमारा 99% का संकल्प कंप्लीट हो रहा है, 99% का। और 90 लोग तो केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ना है जिसका नाम मैथिली शरण गुप्त तो बहुत ही साधारण संकल्प है जिसके तहत हम सभी राजनीतिक पार्टियों के इन राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और मैं आपको इस बात को बार-बार कहना चाहूँगा कि आज यह राक्षसी व्यवस्था है, इस राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है। हमें क्राइम फ्री भारत ऐप के इस मॉडल के माध्यम से हम बड़ी आसानी से बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के सामने टिकट के लिए हाथ फैलाए, बिना अपने लिए वोट मांगे, जब हम जो है इनको सर्टेनिटी के साथ पराजित कर सकते हैं और व्यवस्था में बैठे लोग 10वें दिन आपके प्रति अत्याचार करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो जेल में सड़ेंगे और नौकरी भी उनकी जाएगी। हमारे व्यवस्था में बैठे हुए हमारे साथी वो होशियार हैं, जब वो इस बात को समझ जाएंगे तो वो इन राजनेताओं के हुक्म को मानने से मना कर देंगे, कम से कम उन हुक्मों को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे जो कि गलत हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो उसकी नौकरी भी आर्टिकल 311 संविधान के तहत जो है ना ले ली जाएगी और बहुत सारे लोग जेल में सड़ने के लिए बेबस होंगे। बाबा जय गुरुदेव जी ने ये भविष्यवाणी की है कि परिवर्तन ऐसे होंगे जो किसी के सोच और अनुभव के हिस्से नहीं होंगे। लिहाजा आप संभवतः इन परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूं। लल्लन जी, मैं बात ठीक कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही साहब, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। विदा लेने के पहले यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए।